मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कमिश्नर कार्यालय चौराहे पर खड़ी एक संदिग्ध कार की सूचना से हड़कंप मचने के बाद पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला आज दोपहर उस समय का है जब मुरादाबाद सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कमिश्नर कार्यालय के सामने खड़ी सफेद रंग की स्विफ्ट कार के संदिग्ध अवस्था में खड़े होने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो गाड़ी एक बाइक के नंबर पर चलती हुई साबित हुई। सिविल लाइन इंचार्ज एएसपी दरवेश कुमार के अनुसार गाड़ी बागपत जनपद के थाना बिनोली से नीलामी के दौरान रिलीज की गई है और वर्तमान में पिछले दो सालों से थाने की नीलामी पत्र के आधार पर चल रही है और इसके ऊपर जो नंबर प्लेट टंगी है वो भी बाइक की है। गाड़ी इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रिटायर्ड दरोगा की सुपुर्दगी में है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एक मामला, एक गाड़ी स्विफ्ट VDI वहाँ पे खड़ी हुई थी जिसका नंबर UP16A5326 है। इसको जब ट्रैफिक वालों ने चेक किया तो ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सके। इसके अलावा जो इंश्योरेंस था वो भी इनका वैलिड नहीं है। जब इनसे कागजात मांगे तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया। उस डॉक्यूमेंट से ये पता लगता है कि ये गाड़ी इन्होंने थाना बिनौली जनपद बागपत से नीलामी में श्री रूपेश कुमार पुत्र चंद्रवीर सिंह हैं बागपत के, इन्होंने ये गाड़ी नीलामी में खरीदी थी। जैसा कि इस गाड़ी के ड्राइवर रणवीर सिंह, उन्होंने बताया कि ये इनके मित्र हैं, जानने वाले हैं, उनसे ये गाड़ी लेके आए हैं और इनके पास अभी भी कोई कागजात नहीं है। ना तो गाड़ी के कागजात हैं, ना इंश्योरेंस है, इसलिए गाड़ी को सीज कर दिया गया है। आगे जो भी वैधानिक कार्यवाही है की जाएगी। थैंक यू। कौन व्यक्ति ये श्री रणवीर सिंह बिनौली के रहने वाले हैं और ये रिटायर्ड दरोगा यूपी पुलिस का, इन्होंने अपने आप को बताया है और वो हम जांच करेंगे। इस पर जो गाड़ी का मतलब बाइक का नंबर है पड़ा हुआ क्या कार का, ये भी जांच का विषय। ये हमने अभी जांच इसकी नहीं की है, जैसे ही हम जांच कर लेंगे क्योंकि अब हमारे थाने मामला आ गया है, हम जांच करके ये आपको ब्रीफ करेंगे। कौन से केस में थी ये गाड़ी, थोड़ा सा डिटेल बता ना। केस ये IPC धारा संख्या क्या क्या है, कहाँ मुकदमा लिखा गया, क्या नंबर है इस पर। एक्चुअली मुकदमा ये 557/15 धारा 414 420 में मुकदमा ये लिखी बागपत में ये बिनोले थाने पे ये मुकदमा लिखा हुआ था। जब मुकदमे का जैसे निस्तारण हो जाता है उसके बाद नीलामी होती है, उस नीलामी में इन्होंने इस वाहन को खरीदा था। सर ये नीलामी में जो वाहन खरीदे जाते हैं काटने के लिए जाता है चलाने के लिए सब ये मुझे क्लियर नहीं, RTO से बात करके हम आपको स्पष्ट बता देंगे। सर इस गाड़ी पर करीब नीलामी की गाड़ी है, जो गाड़ी चल रही है इस पर एक पुलिस मार्का चल रहा है, तो उसका क्या मामला है। अगर पुलिस मार्का गलत तरीके से लगा हुआ है, प्राइवेट गाड़ी पर ये सब अलाउ नहीं है, संबंधित धारा से मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।